देवा का जो कैरेक्टर था उसके बारे में बताइए. वो yeah. फिर वो आई थिंक 200 प्लस एपिसोड थे आपके. 215. Yes. तो वो जर्नी कैसे रही? ओके, रोलर कोस्टर. तो ये स्टार्ट हुआ था, मुझे एक मैसेज मिला था कलर्स की तरफ से कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, हम आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ आके ये जो ऑडिशन है वो दे दीजिए. और मैंने ठीक, मैंने इससे पहले भी दिए हुए हैं ऑडिशन, ये मेरा फर्स्ट नहीं था, बट मैंने बोला कि चलो ठीक है. मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसा कुछ आ रहा है, क्या करूँ, करूँ कि नहीं करूँ. बोले कि जाके तो देख एक बार कि क्या होता है क्या नहीं. बोला हाँ चलो ठीक है. फिर मैं गई और लकीली उनको अच्छा लगा, मैंने किया. फिर मैं जब सब फाइनल हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने घर पे बोला. तो लाइक आई वाज नॉट श्योर कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीरियल का बहुत सुना है सबने कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पैसों का भी थोड़ा झोल रहता है, फिर इतने आवर्स, मतलब बहुत टफ रहता है. और स्पेशली जो फीमेल लीड होती है उसका सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन रहता है कंपेयर टू अदर आर्टिस्ट. तो फिर पापा ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तू कर सकती है, तुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो तू ट्राई कर. और बस उसके बाद स्टार्ट हो. बट जब मैंने अपना खुद का पोस्टर देखा इधर अहमदाबाद में, इट फेल्ट वेरी गुड कि वर्थ है, मतलब जितना भी मैं कुछ कर रही हूँ लाइफ में कि चलो ठीक है कहीं ना कहीं तो अच्छे जा रहे हैं. मुझे वो जानना है, सॉरी तुम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने ऑडिशन दिया था तो वो कैसा था? क्योंकि मैंने भी दो तीन ऑडिशन दिए हैं, वो तो पता ही नहीं कहाँ गए मतलब. लेकिन जो जो फ्रेशर्स होते हैं जो विदाउट थिएटर और विदाउट एनी वर्कशॉप के बात जाते हैं, मतलब वो उसको पता ही नहीं है कि क्या, और डायरेक्ट ऑडिशन देने जाते हैं, तो वो प्रिपेयर कैसे करें? ऑडिशन में मैंने जितने भी ऑडिशन दिए थे, आई थिंक दो दिए थे मैंने, क्योंकि मेरा फादर को भी ऐसा था कि नहीं भाई तू जा एक बार ट्राई कर, मेरे को नहीं था. फिर अचानक से मैं ऑडिशन देने गया, बहुत ही अहमदाबाद सिटी के अंदर था, वो सिटी के अंदर था. फिर आई थिंक 150 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, मूवी का था वो पूरा, और अलग अलग तरह के लोग आ रहे थे. कुछ स्क्रिप्ट वगैरह कुछ उन्होंने दिया ही नहीं था हमको. okay. आप अपनी तरीके से वो करिए, देन आपको जो अच्छा लगेगा वो हम देखेंगे. फर्स्ट मैं सुबह के 8 बजे गया था, शाम के 6 बजे मेरा नंबर आया था. हाँ राइट. फिर 6 बजे नंबर आया, एक बहुत ही, ये जो हमारा स्टूडियो है इससे भी कम की जगह थी, और 3-4 लोग थे. अचानक से उन्होंने लाइट, मतलब जो हेलोजन होते हैं येलो कलर के, वो डाले, पूरा मेरी जो आँख में से पूरा ब्लैंक, और जितना भी मैंने रेडी किया था परफॉर्मेंस वो पूरा ख़त्म. कि यार क्या हो गया. और उन्होंने कुछ बोला नहीं, डायलॉग वायलॉग भी कुछ नहीं पूछा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है. साइड प्रोफाइल वो होता है, फर्स्ट फ्रंट साइड और बैक, वो खत्म करके बाद में खत्म. अरे मैंने क्या, मैंने सोचा कि यार मैं 8 बजे तक रह रहा था, शाम के 6 बजे मेरा नंबर आया है, तो उसमें भी ऐसा. आपको क्या, आपका ऑडिशन कैसा था? ये कलर्स वाला मैं बाद में बताती हूँ, बट ये जो आपने बोला कि वैसे होता है ऑडिशंस में कि कई बार स्क्रिप्ट देते हैं, कई बार लिमिटेड स्क्रिप्ट होती है तो नहीं देते हैं. तो फिर वो क्या करते हैं कि जो आप घर से प्रिपेयर करके लाए हो, मतलब देखो एज एन आर्टिस्ट आपको ये थोड़ी कुछ चीज़ें होती है वो करनी पड़ती है. एक तो आपका, आपको जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें एक मोनोलॉग प्रिपेयर करके रखो. मोनोलॉग? यस. मोनोलॉग लाइक वो जो हम, जिसमें आप एक स्व अभिनय, क्या गुजराती में क्या बोलते हैं, मोनोलॉग, हाँ मुझे पता चल गया, एकांकी. एकांकी, राइट राइट राइट. तो एक ये प्रिपेयर होना चाहिए. आप कोई भी कैरेक्टर ले लो या खुद से भी लिख के बना सकते हो. आपको ऑन द स्पॉट कहीं पे भी जाना हो, लाइक कि हाँ यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है चलो जाके आते हैं, स्क्रिप्ट नहीं दी कोई बात नहीं, और स्क्रिप्ट दी भी तो भी आप बोलोगे ना सामने कि सर मैंने कुछ और प्रिपेयर किया है, मैं क्या आपके सामने वो करूँ, तो कोई ना नहीं बोलेगा. अगर वो जेन्युइन ऑडिशंस है तो वो लोग चाहते हैं कि आप अपना अच्छा करो, आप अपना बेस्ट करो, तो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि नहीं आप जो भी करना चाहते हो वो करो. तो एक मोनोलॉग प्रिपेयर होना चाहिए. फिर ये जो आपने बोला कि इंट्रोडक्शन, फिर जो प्रोफाइल, लेफ्ट राइट फ्रंट, तो जहाँ पे भी जो लोग स्क्रिप्ट नहीं देते वहाँ पे आप ये अपना प्रिपेयर किया हुआ रजू कर सकते हो. और अगर स्क्रिप्ट दे रहे हैं तो आपको स्क्रिप्ट को पूरा समझना पड़ेगा.
अगर आप रट्टा मारते हो कि हाँ कि वन वन ये लाइन ये लाइन उसके बाद ये लाइन उसके बाद ये लाइन उसके बाद ये लाइन, तो वो नहीं होने वाला, आप ब्लैंक ही हो जाओगे. तो आपको कैरेक्टर समझना पड़ेगा. उसके लिए आप जितने भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, जहाँ वो जो असिस्टेंट वगैरह बैठे रहते हैं आप उनको जाके पूछो कि ये कैरेक्टर क्या है क्या है. वो कभी कभी चिढ़ भी जाते हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी अपने स्वार्थ के लिए आप पूछ लो कि अच्छा ये कैरेक्टर है और उसके साथ और कौन कैरेक्टर है, अच्छा ये इसके साथ बात कर रहे हैं तो इसका रिलेशन क्या है. तो आप जितने सवाल करोगे आप उतने ही क्लियर हो जाओगे अपने कैरेक्टर के बारे में और आप उतने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाओगे. तो रट्टा मारने से अच्छा आप समझो, बीच में से अगर एक दो लाइन ऐसे गायब भी हो गए ना कि आप भूल गए तो भी उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि आप कैरेक्टर, आपने कैरेक्टर पकड़ा है. तो लाइन से ज़्यादा जो वो जो डायलॉग्स फील करते हैं कि जो उसकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो बाहर आने चाहिए ऑडिशंस में, वो स्पेशल है. कलर्स के बारे में कुछ बताओ. हाँ, तो उसका हाँ सेम हुआ कि मैं गई वहाँ पे, मुझे पहले से स्क्रिप्ट मिल गई थी. लाइक जब मैं से रहा तब उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये स्क्रिप्ट आप पहले भेजो. तो मेरा पहला जो ऑडिशन था वो मैंने घर पे रिकॉर्ड करके भेजा था जो उनको पसंद आया, उसके बाद मुझे वहाँ पे बुलाया गया. तो वहाँ पे भी मेरे को आई थिंक तीन एपिसोड्स नहीं तीन सीन थे. तो उसकी स्क्रिप्ट मुझे वहाँ पे दी और फिर मैंने वहाँ पे ऑन द स्पॉट वो तीनों सीन किए. बट क्योंकि मैं कैरेक्टर के बारे में बहुत श्योर थी, अच्छा ओके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने कि ये कैरेक्टर ऐसा है. ओके, तो वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है. यस, आप जितने सवाल करोगे आपके पास उतने जवाब आएंगे, आप उतने क्लियर रहोगे और आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा आएगा. तो एक आर्टिस्ट के लिए सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, समझ गया. तो अगर कैरेक्टर आपको पता चल गया तो आप इजीली वो कर पाओगे कि अगर ये अच्छा ओके ये सैड वाला कैरेक्टर है, मतलब वो रोता ही रहता है. मेरा कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा वैसा था कि एकदम पावरफुल कॉन्फिडेंस, अगर वो दुखी भी होगी तो वो रोएगी नहीं, इजीली नहीं रोएगी. दुख आंखों में रहेगा बट चेहरे पे मुस्कान रहेगी, वैसा वाला. तो वो मुझे ये सारी डिस्क्रिप्शन मुझे बहुत पहले से ये डिटेल्स बताई गई थी, तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा ठीक है ये काइंड ऑफ मेरे जैसा है तो मैं कर लूँगी. ओके, तो इजी रहता है वो. जी, और एक 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 और चीज़ है कि आपको जो भी कैरेक्टर मिल रहा है आप उसको कहीं ना कहीं खुद से कंपेयर भी करो. ओके, कि अच्छा ये कैरेक्टर और ये इसमें ये है और मेरे में ये है, ये सिमिलैरिटीज है और ये विपरीत, मतलब वो अलग है. तो वो भी आप ऐसे एनालाइज करोगे तो वो भी इजी हो जाएगा थोड़ा एक्ट करने के लिए. ओके ओके, और लाइक आपने जब ये स्टार्ट किया फिर कलर्स में रेवा कैरेक्टर, तो वो जो आपको फेम मिली पे भी बाद में, क्योंकि उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा. जो आपने अभी बोला ना कि आपको घर पे टीवी नहीं देखने देते थे, तो कई बार ऐसे लोग आके मुझे बोलते कि यार मेरी मम्मी ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, हमको टीवी देखने ही नहीं देते. मैंने बोला वो आपके लिए तकलीफ है बट मेरे लिए बहुत अच्छा है. राइट, बट यस, ये एक ओके. या मुझे इससे एक चीज़ याद आई कि हम लोग शूट कर रहे थे, आई थिंक सीरियल स्टार्ट ही उसके एक हफ्ते की ही बात है, और हम लोग एक्सटीरियर शूट कर रहे थे कहीं पे. तो मैं ऐसे चल के जा रही थी, शूट हो रहा था, चालू था, और अचानक से मुझे आवाज़ सुनाई दी, ए रेवा. इससे मेरे को बाहर से आवाज़ सुन रही, ये कौन बोल रहा है इतनी जल्दी, मैंने अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है सीरियल को. एक आंटी से दौड़ के आके मुझे हक कर रही है, और तब ऐसे फूल फील हुआ कि वाह यार, मतलब अपने घर वालों के अलावा भी कुछ लोग हैं जो हमें पहचानते जानते पहचानते. एग्जैक्टली, तो हाँ उसके बाद तो लाइक फिर कहीं पे भी ऐसे बाहर जाते थे घूमने जा रहे, तो यस मिलते हैं लोग और बहुत ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे आप तारीफ भी करते हैं ऑफ कोर्स कैरेक्टर की भी, कैरेक्टर के बारे में भी बोलते हैं, खुद के बारे में भी बोलते हैं. तो इट फील्स गुड, बहुत अच्छा लगता है. और अभी फ्यूचर, अभी फ्यूचर देखते हैं आगे. आपने कुछ बताया था वेब सीरीज. यस, मैंने एक वेब सीरीज शूट किया, मॉडर्न प्रेम टेक 2, गुजराती. यस, गुजराती. तो उसका शूट हो गया है, अभी डबिंग होगा. तो आइए. राइट राइट.